हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शुएब, आपके साथ आपके अपने चैनल बर्ड्स कॉलोनी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने दो वीडियो बनाया था, होती बर्ड्स के ऊपर, बर्ड्स को कौन सी मेडिसिन देंगे। लेकिन आज का वीडियो हमारा कुछ अलग है, यानी कि आज के वीडियो में मैंने अपने कबूतर के बारे में बताया, यानी कबूतर बीमार हो जाएंगे तो हम उसे कौन सी मेडिसिन देंगे। यानी किसी के कबूतर को सूखे की बीमारी हो जाती है, वो उड़ते नहीं है, सिर्फ एक ही कोने में बैठे रहते, चारा भी नहीं खाते, सिर्फ पानी से ही अपना पेट भरते, तो वैसे सूखे की बीमारी होती है उन कबूतर को, तो हम उन्हें कौन सी मेडिसिन देंगे। तो उसके पहले मैं आपको अपने कबूतर के बारे में बता देता हूँ। मेरे पास तो अभी फ़िलहाल सात ही कबूतर है, ये एक पेयर ब्लैक वाले, ये अभी अंडे में बैठे, ये जंगली कबूतर है, जंगली कबूतर का पेयर है, ये एक सफ़ेद वाली मादी ने भड़ंग जाती है, इसकी भड़ंग जात की है, ये भी अभी शायद अभी अंडे देंगी, आज ही अंडा ले करेंगे ऐसा लग रहा है। ये उसका नर है, चितकबरा कबूतर, छत्तीसगढ़ी कबूतर है, बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह, चितकबरा कबूतर। उसकी मादी ने ये भड़ंग अंडा देंगी शायद आज ये। और वो एक है, वो भी सिंपल ही है, काला वाला, ये सात कबूतर अभी फ़िलहाल मेरे पास। अभी मैं वो फेंटल पिजन लाने की सोच रहा हूँ, वो फेंटल पिजन, फैंसी पिजन, फेंटल, शिराजी, पाउडर पिजन, ये लाने की सोच रहा हूँ। लॉफ्ट या फिर ब्रीडिंग केज बना लूँगा उनके लिए, और फैंसी पिजन भी रखूँगा, अंडे के लिए भी रखूँगा, वो शो वाले पिजन शो के लिए रहते, सिर्फ उड़ते नहीं है, सिर्फ वो कबूतर लाऊंगा। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी, तो चलते वीडियो। है वो मेडिसिन जिसका नाम है न्यूरोबियन फोर्ट, आपने इसे टीवी में देखे होंगे, ऐड आती है इस मेडिसिन की, ऐड आती है टीवी पे, न्यूरोबियन फोर्ट टैबलेट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विथ B12। ये है वो, आपके कबूतर अगर से उड़ते नहीं है तो आपको ये मेडिसिन उन्हें देना है, अगर से उड़ते नहीं है तो। बाकी अगर से आपके कबूतर को सूखे की बीमारी है, चारा नहीं खाता, उसके लिए दूसरी मेडिसिन अवेलेबल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये अगर से आपके कबूतर उड़ते नहीं है तो उन्हें देना है आपको ये मेडिसिन। ये 30 टैबलेट रहती है, इसके अंदर एक पत्ता ही है पूरा, इसमें 30 टैबलेट रहती है, देख लीजिए, ये आपको मेडिकल में ईजिली मिल जाएगा। ये दोस्तों, ये है न्यूरोबियन फोर्ट के अंदर की टैबलेट है, ये 30 टैबलेट है इसमें। अब आपको इसे अपने कबूतर को देना कैसे है, तो आपको इसकी एक गोली का आधा टुकड़ा आपके कबूतर को हर रोज़ शाम को देना है, एक गोली का आधा टुकड़ा, याद रखिए, एक गोली का आधा टुकड़ा अपने कबूतर को आपको देना है हर रोज़, सिर्फ रात में, दिन में नहीं देना है, सिर्फ रात में देना है। तो ये आधा टुकड़ा है इसमें, तो आधा टुकड़ा मैंने अपने कबूतर को दिया था। तो ये हो गई उसके नहीं उड़ने की दवा, अगर से उड़ता नहीं है तो, और उसे सूखे की बीमारी हो जाती है तो हम उसे कौन सी मेडिसिन देंगे, वो भी आपको मेडिसिन आपको अपने कबूतर को सूखे की बीमारी में देना है। इसका नाम है सिप्लॉक टीजेड नाम है इसका, 141 का इसका पत्ता, एक पत्ता आ जाता है मार्केट में, उसमें 8 टैबलेट रहती है, 8 या 10 टैबलेट रहती है, 141 का पत्ता आता है, महंगी है ये वाली बहुत, सिप्लॉक टीजेड, इसमें इसकी एक्सपायरी वगैरह सब लिखी है। ये ऐसी गुलाबी कलर की आती है वाली टैबलेट, ये भी आपको मेडिकल में इजीली मिल जाएंगी। ये इसे आपको अपने कबूतर को 4 दिन हर रोज़ एक गोली के 6 टुकड़े करना है, एक गोली हो गई एक मेडिसिन, एक टैबलेट इसके आपको 6 टुकड़े करना है, बीच में से 6 टुकड़े करना है, और आपको 6 टुकड़े में से एक टुकड़ा अपने कबूतर को सुबह देना है, एक टुकड़ा शाम को देना है, एक टुकड़ा दूसरे दिन देना है, ऐसे 6 टुकड़े आपको 4 दिन देना है। टैबलेट देने के बाद आपको अपने कबूतर को सीरिंज जाती है 5 ml पानी पिला दो, और 4 दिन देना है आपको ऐसे, तो रिलीफ हो जाएगा जल्दी। मैंने भी अपने कबूतर को दिया था, लाल दोबाज कबूतर था, दवा खिलाया था, तो वो भी अच्छा रिलीफ हो गया था। अगर से आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी कबूतर के मेडिसिन की, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, और कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते, और हमारे चैनल बर्ड्स कॉलोनी का सब्सक्राइब करना।